बताना चाह रही थी मेरे गुरुजनों, बैठे हुए ग्रामवासियों और मेरे सहपाठियों, आज 15 अगस्त का पावन दिन आया। इसी दिन स्वतंत्रता की काली रात्रि समाप्त हुई और स्वतंत्रता का नव प्रभात निकला। भारत माता अपने सौभाग्य पर एक वर्ष के बाद हंस उठी। शहीदों का खून रंग लाया। जिस शक्तिशाली जिस सरकार का राज्य का सूरज कभी डूबता नहीं था, ऐसी शक्तिशाली साम्राज्यवादी सरकार भी आखिर निहत्थे भारतवासियों के सामने झुक गई। यह दिन भारतीय जीवन का मंगलमय दिन बन गया। भारत के राजनीतिक इतिहास का तो स्वर्णिम दिन है। भारत स्वतंत्र हो गया, लेकिन अभी उसके सामने देश के निर्माण का काम था। यह काम धीरे धीरे हो रहा है। खेद की बात है कि इतने वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी भारत अपने सपने को साकार नहीं कर पाया। इसका कारण व्यक्तिगत स्वार्थ की प्रबलता है। हमारा कर्तव्य है कि देश के उत्थान के लिए इसकी ईमानदारी का परिचय दे, प्रत्येक नागरिक कर्मता का पाठ सीखे और अपने चरित्र बल को ऊंचा बनाए। आज पूरे विश्व में भारत आशा की किरण बनकर सूर्य की भांति आकाश में चमक रहे हैं। यह सब आजाद भारत में ही संभव हुआ है। हमें आजादी इतनी आसानी से नहीं मिली थी। इसके लिए देश के सूरवीरों को आजादी के मतवालों ने अपना बलिदान देकर दिलाई है। हमें उनका आभार मानना चाहिए। आज हम आजादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। यह सब भारत माता के उन सपूतों की याद दिलाता है जिन्होंने अपना सर्वस्व इस देश के नाम कर दिया। भारत के प्रसिद्ध विद्वानों, कवियों, इतिहासकारों अथवा लेखकों ने सामाजिक रूप से सुधार करके भारत की आजादी में चार चांद लगाए हैं। जनता एवं सरकार दोनों को मिलकर देश के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करना है। युवक देश की रीढ़ की हड्डी के समान है। उन्हें देश का गौरव बनाए रखने के लिए तथा संपन्न एवं शक्तिशाली बनाने में अपना योगदान देना चाहिए। राष्ट्र की उन्नति के लिए आवश्यक है कि हम सांप्रदायिकता, छत्रवाद, भाषावाद, अवसरवाद आदि के विषय सर्वथा दूर है और सभी ने संस्कृति के अनुकूल राष्ट्र उत्थान की सोच विकसित करें। स्वतंत्रता का मंगल पर्व इस बात का साक्षी है कि स्वतंत्रता एक अमूल्य वस्तु है। अनेक देशभक्तों ने भारत के सिर पर ताज रखने के लिए अपना बलिदान दे दिया। यह हमारा सौभाग्य है कि हमने भारत की पुण्य भूमि पर जन्म लिया है और आजादी के सुंदर वातावरण में सांस लिए। देश प्रेम एक पवित्र भाव है जो हर व्यक्ति में होना अनिवार्य है। इस दिन हमें एकता का पाठ पढ़ना चाहिए और देश की रक्षा का व्रत धारण करना चाहिए। हर 15 अगस्त पर साथ ही हम सब व्रत धारे जननी जन्म भूमि के